Hello children, it's 10 seconds. Today I am going to read your chapter 12, part 4 of rocks and minerals. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि rocks and minerals क्या होते हैं, तो आपको rocks का पता चल गया होगा कि rocks are usually layers of stones, बहुत बड़े-बड़े पत्थर जो होते हैं rock वो, और minerals मैंने आपको बताया था, minerals आपके food में पाए जाते हैं, पानी में मिलते हैं, and eatables all in food also, fruits also etc. ओके, तो अब मैं आपको बाकी का चैप्टर सुनाने जा रही हूँ. मैंने आपको बताया था जेम स्टोन्स से हमने स्टॉप किया था. जेम स्टोन्स क्या होते हैं? जेम स्टोन्स आर हार्ड एंड कलरफुल मिनरल्स. जेम स्टोन्स जो होते हैं, आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, किंग, वो लोग क्या करते थे, उनके पास बहुत सारे मोती, हीरा मोती पटना, बहुत महंगे महंगे पत्थर होते थे जो उनको अपनी ज्वेलरी में पहनते थे और उसको यूज करते थे. और जब वो खुश भी होते थे ना, तो वो अपने सर्वेंट्स को, कोर्टियर्स को खुश होने पर अपने गले में से माला तोड़ते थे, प्रेजेंट देते थे. तो सारे जेम स्टोन से, ऐसे जेम स्टोन से बने होते थे. ये ग्रीन कलर का एमराल्ड, ये रेड कलर का रूबी है. ओके, तो जेम स्टोन सर हार्ड एंड कलरफुल मिलते हैं, बहुत हार्ड एंड बहुत कठिन होते हैं और बहुत कलरफुल, यानी ये रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, बहुत कलरफुल होते हैं जेम स्टोन. और इनका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है और इनको पॉलिश करते हैं, इनको अच्छे से पॉलिश करता है जो गोल्डस्मिथ होता है ना, वो इनको अच्छे से कट करता है, इनको अच्छे से पॉलिश करता है और एकदम सॉफ्ट बनाता है. और ऊपर का लेयर सॉफ्ट बनाता है, फिर इसको रिंग में रखते हैं या इयर रिंग्स में, उसको गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड इयर रिंग्स में डालते हैं, रिंग में पहनते हैं. और गले में अगर नेकलेस है तो उसको नेकलेस में छोटी छोटी कट करके उसको एकदम पॉलिश करके एकदम अच्छे से स्मूथ बना के उसको ज्वेलरी में भरते हैं और फिर इनका यूज होता है. और दे शाइन, और फिर जब उनको ज्वेलरी में डाल देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो शाइन करते हैं. दे आर यूज इन टू मेक ज्वेलरी. ज्वेलरी में सारे आभूषण गहने जो पहनते हैं ना क्वीन लोग, रानियां, उनको उसको यूज करते हैं. और जो माथे पे क्राउन पहनते हैं उसमें भी रूबी, एमराल्ड, सारे ये स्पेशल स्टोन्स को रखते हैं. एमराल्ड, रूबी एंड कॉरल आर सम एग्जांपल ऑफ जेम स्टोन. एमराल्ड, रूबी और कॉरल, ये सारे एग्जाम्पल के अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं. ओके, अब देखो समरी में बता दी, अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. आपको मैंने बताया था कि हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं. पर अर्थ इज अ थर्ड प्लेनेट फ्रॉम सन. सन से थर्ड नंबर का प्लेनेट अर्थ होता है. आपको मैंने बताया था कि अर्थ इज अ वेरी गुड प्लेनेट, वहां पे हम सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स कैसे सर्वाइव करते हैं, वहां पे प्लांट्स है, वॉटर है, सन है, लाइट है, एवरीथिंग इज है एंड यू कैन सर्वाइव देयर बिकॉज वी गेट इनफ हीट, फूड, वॉटर टू हैव आवर डेली टू डे रूटीन लाइफ. रॉक्स डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर. रॉक्स जो होते हैं वो साइज, हर साइज में और शेप में और कलर में डिफरेंट होते हैं. सब रॉक एक समान नहीं होते, हर रॉक्स जो होते हैं वो अलग कलर के होते हैं, शेप्स भी अलग होते हैं. कुछ रॉक्स जो होते हैं पहाड़, वो थोड़े छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, सबका साइज अलग होता है. कुछ रॉक्स ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, सब प्लेन येलोइश कलर, इस तरह से होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं. मार्बल, सैंडस्टोन, कोल एंड चौक आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ रॉक. अब इसमें मार्बल आपको पता है, मार्बल जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, पिंक कलर में आता है और उससे हम टेम्पल बनाते हैं, घर फ्लोरिंग में और किचन स्लैब के लिए यूज करते हैं. सैंडस्टोन आपको बताया था, दे आर यूज टू मेक फेमस बिल्डिंग्स. कोल, कोल इज यूज टू इट इज ब्लैक कलर, इट इज यूज फॉर कुकिंग इन बेकरी फॉर कुकिंग और इट इज यूज टू रन स्टीम इंजन. और चौक, चौक आपको पता है जिस अभी हम जैसे मेरे हाथ की चौक है, दैट आई एम यूजिंग टू राइट ऑन दिस बोर्ड. आर टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक आर मेड ऑफ मिनरल्स. सारे रॉक्स जो होते हैं मिनरल्स के होते हैं. मिनरल्स मैंने आपको बताया था, वी यूज थिंग्स मेड ऑफ मिनरल्स इन आवर डेली लाइफ. मैंने आपको बताया था कि वी यूज हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं मिनरल्स, में जैसे मिनरल सॉल्ट खाते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं. देयर आर मेनी टेबल थिंग्स प्रोडक्ट्स लाइक कंटेनिंग मिनरल एंड मिनरल्स मीन इट इज कैल्शियम, फॉस्फेट, लाइमिंग, जिंक, ऑल दिस थिंग्स. ओके, जेम स्टोन्स आर हार्ड एंड कलरफुल मिनरल्स. जेम स्टोन जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और बहुत कलरफुल होते हैं और अलग अलग शेप, साइज में डिफर होते हैं. इनको फिर अच्छे से कट किया जाता है, कट करने के बाद इनको अच्छे से पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने के बाद इनको फिर इनको ज्वेलरी में, यानी गोल्ड की ज्वेलरी में डालना है, सिल्वर में डालना है, उस तरह से इनको उस तरह से पॉलिश किया जाता है. तो आई थिंक दिस लेसन इज क्लियर टू यू. जस्ट गो टू दिस लेसन, रियली हाउ आर यू टू डेट हार्ड वर्क फॉर यू. GEM STOLE. जेम स्टोन क्या है? महंगे जो पत्थर होते हैं जो ओल्ड टाइम्स में किंग क्वीन पर. आज भी आप देखोगे कुछ लोग राशि के हिसाब से स्टोन पहनते हैं, कुछ रेड पहनते हैं, कुछ येलो पहनते हैं, कुछ व्हाइट ट्रांसपेरेंट पहनते हैं, कुछ ग्रीन, बहुत अलग अलग कलर के. एंड किंग और जो अलग नीला बना मोती होता था उसको जेम स्टोन बोलते हैं. POLISH कॉलेज, कॉलेज बने अच्छे जैसे आपको जैसे बुला लो तो आपको
ज्वेलरीज पहनते थे, उसमें उनका पूरा सर से बहुत सारी ज्वेलरीज, बहुत सारी गोल्ड कलर की सारी जेमस्टोन से भरे हुए थे। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि देखो सारे जेमस्टोन्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट कलर के होते हैं और शेप और साइज के होते हैं। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सी यू कैन सी हियर, जेमस्टोन्स आर हार्ड एंड कलरफुल मिनरल्स, दे आर कट इन डिफरेंट शेप, उनको पॉलिश करते हैं सो दैट दे कैन शाइन, दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी, उनको गहने बनाने में काम आते हैं। एमराल्ड और रूबी, देखो आपको दिख रहा है ये एमराल्ड है और ये रूबी है, ओके। दिस आर द स्टोन्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग वेरियस ऑर्नामेंट्स लाइक जो ज्वेलरीज, रिंग है, इयर रिंग है, सो मेनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम इट, ओके। सो आई थिंक दिस लेसन इज क्लियर टू यू, यू मस्ट बी नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेसन, गो थ्रू दिस वीडियो, रीड दिस लेसन एंड थैंक यू।